वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक मीडिया की खबर आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो हमें कॉमेंट करके बताएं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कॉमेंट में बताएं। पाकिस्तान में 9 मई के बाद से लॉकडाउन में तो नरमी कर दी गई है, मगर तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है और छुट्टियों में 15 जुलाई तक तौसी के साथ साथ इम्तिहानात भी मंसूख कर दिए गए, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बोर्ड के इम्तिहान भी शामिल हैं और तलबा को गुज़िश्ता इम्तिहानात के नतीजे की बुनियाद पर अगली क्लासों में भेजने का ऐलान किया गया, मगर इस मामले पर अब कन्फ्यूजन नजर आ रही है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि पहले से 8वीं जमात तक तलबा को प्रमोट करने का मामला स्कूल्स अपने सिस्टम के मुताबिक तय कर लेंगे, मगर 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट करने के लिए इम्तिहान में होना लाजमी है क्योंकि बोर्ड कवानीन में गुंजाइश नहीं है, इसके लिए कानून में तरमीम करना पड़ेगी। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तरह भारत में भी कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त 12वीं जमात के इम्तिहान हो रहे थे जिन्हें मुलतवी कर दिया गया, मगर अब हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मुलतवी होने वाले पेपर्स 1 जुलाई से 15 जुलाई तक लेने का फैसला किया है, जबकि इस दौरान दिल्ली में 10वीं जमात के तलबा के भी पर्चे लिए जाएंगे जो फसादात के दौरान इम्तिहानात नहीं दे सके थे। क्या मामला होगा? शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया। साहब पहले तो सईद गनी साहब तो कह रहे थे 6 महीने नहीं खुले स्कूल तो ना खुले, साल लग जाए, क्या आप ये देख रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल खुले ही ना, मगरिब में स्कूल खुलना शुरू हो गए? देखें शाहजेब, ये फैसले तो हमें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे हम करेंगे और मुतफिका फैसले करेंगे, क्योंकि बच्चों की सेहत हमें सबसे अजीज है और उसके लिए हमारी आपस में मुशावरत भी जारी है। 15 जुलाई तक हमने क्लोज किया है, मे बी बाय द एंड ऑफ जून इसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे, उस वक्त देखेंगे हालात क्या है। बुनियादी बात यह है कि बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और इसके लिए हम क्लियर हैं अपने जहन में सब। और एग्जाम्स के हवाले से, क्योंकि भारत में भी जो 12वीं जमात के एग्जाम्स हैं तकरीबन 12 लाख बच्चे वो एग्जाम्स देंगे, जिनके रह गए थे वो मैट्रिक के भी एग्जाम्स देंगे, दुनिया में एग्जाम्स हो भी रहे हैं, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, आप एग्जाम्स के हवाले से कुछ सोच रहे हैं? आज सईद गनी साहब ने कहा कि बोर्ड के तो रूल्स में ही नहीं है कि अगली क्लास में प्रमोशन हो जाए बगैर एग्जाम्स के। जी, मुझे पता लगा है कि सईद गनी साहब से भी बात हुई है कि कुछ बोर्ड्स के अंदर जो एक कोई लीगल इश्यूज है, लेकिन पहले तो हमने आपस में ये फैसला करना है कि देखें कुछ फैसले जो हो गए वो तो बड़े क्लियर हैं। एक ये कि जी स्कूल जो है मुलतवी या स्कूल नहीं होंगे 15 जुलाई तक, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जितने भी बोर्ड्स के इम्तिहान हैं वो नहीं होंगे और बल्कि जो होने वाले थे वो सारे के सारे मनसूख हो गए, मुलतवी नहीं हुए मनसूख हो गए। उसके बाद फॉर्मूला ये है कि जो पिछले क्लासेस के रिजल्ट्स हैं उनकी बुनियाद पे प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन हमने किया ये है कि हमने जो पाकिस्तान में 29 या 30 बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैनों को और उनके जो जो लोग हैं उनको सबको कहा है कि आप बैठ के एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाएं, और वो उन्होंने जो स्कीम बनाई है सारे बोर्ड सारे सूबों के, और वो स्कीम वो बना रहे हैं, उसमें वो सारी कैटेगरीज को देख रहे हैं, जिन्होंने 9वीं का इम्तिहान नहीं दिया उनका क्या करना है, जिन्होंने 9वीं का दिया है 10वीं का नहीं दिया उनका क्या करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जिनकी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करना है, जो एक दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं उनका क्या करना है, जो कंपोजिट एग्जाम दे रहे थे उनका क्या करना है। सो कैटेगरीज कोई 7-8-9 कैटेगरीज है, तो जो सो इम्तिहान तो नहीं होगा लेकिन ये 7-8-9 कैटेगरीज के लिए जो फॉर्मूला है वो एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स जो है वो बना के बैठ रहे हैं बना रहे हैं और जुमेरात को हम इंशाल्लाह सारे सूबों के साथ उस पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट जो है अनाउंस कर देंगे। मतलब यानी कुछ भी हो जाए 9वीं से लेके 12वीं के एग्जाम्स नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे, एग्जाम मनसूख हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं फिर कहता हूं एग्जाम्स नहीं होंगे।
बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स मंसूख हो चुके हैं।